हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रैनोटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको लिथियम बैटरी और सोलर पैनल की काफ़ी सारी वीडियो दिखाई है, लेकिन आज हम आपको बहुत ही खास वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि हवा से फ्री में बिजली कैसे पाएं। तो इसी के लिए हमने आज पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के लुहल्ली गांव में, जहां एक किसान के बेटे ने बाढ़ से विंड टरबाइन तैयार किया है। ये 1.5 किलोवाट का विंड टरबाइन पूरे घर का लोड उठाता है जैसे जैसे हवा चलती है, और ये बिजली उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हवा चलने पर इस प्रकार से घूमता है और बिजली उत्पन्न करता है। कितनी बिजली उत्पन्न करता है और कितने ये घर का लोड उठा सकता है। तो दोस्तों, अब हम छत से उतरकर नीचे आ चुके हैं, और नीचे आने के बाद हम दिखाते हैं कि ये जो विंड 1.5 किलोवाट का विंड टरबाइन है कैसे काम करता है। और इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक भाटी जी। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो विंड टरबाइन है कि किस प्रकार से काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ऊपर से जो आउटपुट आई है विंड टरबाइन से, वो इस प्रकार से यहाँ आई है, और यहाँ आने के बाद इस आउटपुट को इन्होंने, दीपक भाटी जी ने, इसको पहले एक ये सिस्टम दे रखा है, इक्विपमेंट इसमें आता है, और इसके बाद एक ये इन्होंने ये डीसी से डीसी बूस्ट कन्वर्टर लगा रखा है। उसके बाद ये डायरेक्ट बैटरी में जाता है, बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी से चार्ज होने के बाद जो डीसी करंट है इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर के बाद वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है, एसी में कन्वर्ट होने के बाद तब ये पूरे घर का लोड उठाता है। तो कैसे ये काम करता है, इसी पे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक भाटी जी। दीपक भाटी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो आपका 1.5 किलोवाट का विंड टर्बाइन है कैसे बनाया आपने, कितनी मेहनत लगी, और ये कैसे काम करता है और कितना लोड उठाता है? देखो जी, ये इसे तैयार करने में, इसका पूरा डेटा समझने में मुझे 2 साल लग गए। अच्छा। और बना तो मैंने ये 1 महीने में ही लिया था। अरे वाह। हाँ, और इसे इंस्टॉल करे हुए भी 1 महीना ही हो गया है तब। अच्छा, लोड की बात ये है जी, ये 1.5 किलोवाट तक का कोई भी इक्विपमेंट घर का उसे डायरेक्ट भी चला सकता है, लेकिन हमने अभी तक इस पर डायरेक्ट लोड डाला नहीं है। हम तो बैटरी चार्ज करते हैं इससे, और बैटरी इन्वर्टर के माध्यम से सारा घर का लोड चलाते हैं। क्या कोई दिक्कत आई है अभी तक इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं आई जी किसी प्रकार की। लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस। तो अब ये जो ऊपर से वायर में जो आउटपुट आया है, एसी करंट है या डीसी करंट? एसी करंट आ रहा है। जो कितना करंट आ रहा है बताइए, अभी दर्शकों को दिखाएं। आज की जो हवा है वो 3-4 मीटर/सेकंड की हवा है, तो इतनी हवा में तो ये जो है स्टार्ट ही होता है। कहने का मतलब ये है, अच्छी बेहतर आउटपुट के लिए हमें 7-8 से लेके 10 मीटर/सेकंड की हवा हमें चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा जो विंड टरबाइन से जो आउटपुट आई है, वो आउटपुट इस कमरे में आई है, और इस कमरे में पूरे घर का सिस्टम लगा रखा है जो पूरे घर का लोड उठाता है। इस पर बताने के लिए भाटी जी मौजूद हैं। भाटी जी, ये किस प्रकार से लाइन आई है और कैसे काम करता है, दर्शकों को बताइए। 3 वायर आए हैं ऊपर से विंड टरबाइन से, तीनों एसी हैं, 3 फेज AC आए जी। ये इसके सारे यहाँ इस कंट्रोलर में आए, यहाँ से हमने इनको AC से DC कर दिया जी। ठीक है जी, ये हमारे इसमें DC ampere मीटर लगा हुआ है। हाँ। जैसे जैसे लोड पड़ेगा, करंट पड़ेगा, तो ये एम्पियर बताता रहता है कितने एम्पियर करंट है। उसके बाद ये हमारा इसमें इसे हम स्मॉल MPPT कन्वर्टर भी कह सकते हैं, या DC से DC बूस्ट कन्वर्टर भी कह सकते हैं। इससे हमारे फिर बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, ये हमारी आउटपुट है बैटरी के लिए, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी से इन्वर्टर में, इन्वर्टर से सारा घर का हम लोड उठाते हैं। अभी कितने वोल्टेज आ रहे हैं? अभी वोल्ट आ रहे हैं जी 11 है, हवा बहुत हल्की चल रही है। ये देखो लगभग 10-12 ये दिखा रहा है, 15 तक 12 13। हाँ, ये देखो 12 आ गए, अब लगभग 13 के समथिंग है। हाँ। 12.95 पे बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी से ऊपर से 2 वोल्ट भी आएंगे, 4 वोल्ट भी आएंगे, 6 वोल्ट भी आएंगे, या 50 वोल्ट भी आएंगे, बैटरी में ही करंट जा रहा है सीधा बैटरी में। ये जो है हमारे पास जो कन्वर्टर है जी, ये जो चार्जर कंट्रोलर है, ये बहुत लो वोल्टेज पे भी बैटरी चार्ज करता है। तो ये तो दिन में और रात में दोनों समय ही, ये तो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे काम करता है। तो इसमें तो जैसे कि सोलर पैनल में तो सूरज की किरण की आवश्यकता होती है, दिन में ही काम करता है, रात में नहीं, ये तो 24 घंटे काम करने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन ये आप कितने से कितने वाट तक का बना सकते हैं, या कितने वाट तक का लगा सकते हैं? 100 वाट से लेकर 10 किलोवाट तक के हम इन्हें बनाते हैं। आप सोलर पैनल भी लगाते हैं? हाँ जी, हम सोलर पैनल भी लगाते। तो सोलर का खर्चा तो काफी महंगा पड़ता हाँ, है। हाँ, इसके मुकाबले सोलर का खर्चा ज्यादा है। यदि अगर इसको लगवा लेते हैं तो ये किस एरिया में कामयाब है, कहाँ? ऐसा है जी, ये कंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ते हुए
उनके लिए दूसरी, ये अभी हमारा जो लगा हुआ है ये हॉरिजेंटल है, जो कंजेस्टेड एरिया उसमें वर्टिकल लगता है, उसमें गेयर बॉक्स लगता है थोड़ा, वो उसका जो टेक्निकल डाटा अलग है, लेकिन ये हमारे यहाँ सब जगह ही कामयाब है। ज़्यादा कामयाब पहाड़ी एरियाओं में है, कोस्टल एरिया में है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो है जितना कोस्टल एरिया और पहाड़ी एरिया में कामयाब है इतना हमारे यहाँ, यहाँ मानो इसकी 90% एफिशिएंसी। अब जैसे घर में लगभग 1-1.5 महीने से आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब से इस्तेमाल किया है तब से बिजली के बिल में कितनी बचत हुई है? ऐसा है जी, हमारा बिजली का बिल आता है 1600-1700 रुपये पर मंथ, अभी इस बार बिजली का बिल आया है हमारा 900 रुपये। तो ये तो आपका ग्रामीण वाला है ना कि जो बिल आता है ग्रामीण? हाँ जी, ग्रामीण वाला बिल है हमारा। तो फिर भी अब हमारा जो है 50% तो कम हो ही गया। तो यानी कि जो आप ग्रेड वाली भी इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं? वो तो जो बड़े इक्विपमेंट है उन्हें, जैसे मोटर है हमारी, चारा काटने की मशीन है, आटा पीसने के लिए चक्की है, उसे चलाते हैं, बाकी सारा लोड इसी से चलाते हैं। तो दोस्तों देखा, ये जो इनका प्रोडक्ट है, ये जो इन्होंने 1.5 किलोवाट का विंड टरबाइन बनाकर अपने घर की छत पर खुद ही इंस्टॉल किया, खुद ही कबाड़ से तैयार किया है, तो वो कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, और जो इनके घर का बिजली का जो लोड है उसको संभाल रखा है, साथ ही जो बिल आता है उसमें बिल्कुल 50% की कटौती कर रखी है, यानी कि जो ये बड़े इक्विपमेंट है उसको उस ग्रेड बिजली से, जो बाहर से आने वाली बिजली मेन लाइट से चलाते, बाकी जो घर का पूरा लोड है वो सभी इस जो विंड टरबाइन से इस्तेमाल कर उस बिजली को फ्री में उपयोग करते हैं। तो यदि कोई हमारे दर्शक देख रहे हैं इस सोलर पैनल या इस विंड टरबाइन को लगवाना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है जी, और मेरे अपने जो फर्म है श्रुति सोलर पावर पावर सॉल्यूशन के नाम से, NH 91 टोल प्लाजा के पास में, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410861999, इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दीपक भाटी, जिन्होंने ये 1.5 किलोवाट का विंड टरबाइन तैयार किया है और अपने घर में इसको इंस्टॉल किया है, और उससे मुफ्त में बिजली प्राप्त कर रहे हैं, और अपने घर का लगभग पूरा लोड इसी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े इक्विपमेंट है जैसे कि घर में बड़ी मोटर है, समरसिबल है, उसके लिए ये ग्रेड वाली बिजली इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने घर का जो बिजली का बिल है उसको आधा कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की आने वाली वीडियो मिलती रहें।